नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रूट फ्लाई के बारे में। फ्रूट फ्लाई एक ऐसी प्रजाति का कीट है जो हमारी फसल में 40 से 50% नुकसान करता रहता है। अगर इसका कीट का नियंत्रण समय से नहीं किया गया तो हमारी फसल में भारी नुकसान आ जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसका नियंत्रण कैसे करते हैं और इसमें कौन से दवाई का हम प्रयोग करेंगे जिससे इस कीट से हमें जल्द से जल्द नियंत्रण पा सकें। इस कीट का प्रकोप फूल लगने की अवस्था से लेकर फल बनने की अवस्था व फल पकने की अवस्था तक किसी भी समय लग सकता है। पपीता, केला, आम, अमरूद, सेब, खरबूजा, तरबूज आदि जैसे फल में इसका प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। इसका प्रकोप फल के साथ साथ सब्जियों में भी देखने को मिलता है, जैसे लौकी, कद्दू, तुरई, भिंडी, परवल आदि प्रकार की सब्जियों में इसका भी प्रकोप अधिक से अधिक होता है। फ्रूट फ्लाई की मादा मक्खी अपने अंडे हमारे फल व सब्जी के अंदर देती है, यानी कि उसमें सबसे पहले छेद करती है, उसके बाद उसमें अंडे देती है। जहाँ पे वह छेद करती है वहीं से हमारा फल टेढ़ा हो जाता है, वहीं से सड़ना स्टार्ट हो जाता है और पूरा का पूरा फल हमारा सड़ जाता है और वो देखने में भी भद्दा लगने लगता है। इसके नियंत्रण के सबसे सरल तरीका है हमें फेरोमोन टेप का प्रयोग करना है। यह एक प्रकार के डिब्बे की तरह होता है, डिब्बा होता है उसमें एक दो छेद होते हैं और इसमें नीचे एक ढक्कन लगा हुआ होता है। ढक्कन में लिक्विड भरा होता है, उसी लिक्विड जो लिक्विड होता है वो हमारी जो फल मक्खी होती है उसको आकर्षित करता है। उसमें आकर्षित करने के बाद उसमें जो फ्रूट फ्लाई होती है उसमें जाके गिर जाती है, उसमें जाके धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। ये एक सरल प्रकार का तरीका था। दवाइयों की हम बात करते हैं तो बाजार में अनेक प्रकार की अनेक नाम से अनेक एक कंपनी के नाम से दवाइयाँ अलग अलग फ्रूट फ्लाई के लिए बनी हुई हैं। कुछ दवाई आपको यहाँ पे हम बताएंगे, जैसे इमिडाक्लोपिड 30%, यानी कि उसका आपको आधा भाग यानी कि आधा ml 0.50 ml आपको 1 लीटर पानी के साथ घोल बना के उसका छिड़काव करना है। दूसरी दवाई हम लेते हैं एसिडामिप्रिड, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका भी छिड़काव करना है। और उसके साथ साथ अगर आपको फिश ऑयल मिल जाता है यानी कि मछली का तेल, उसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपने खेत में छिड़काव करना है अपने पौधों पर। ये एक दो दवाई हमने बता दी है। इस दवाइयों का प्रयोग करके हम अपनी फसल में लगी फल मक्खी को हम नष्ट कर सकते। सबसे सस्ता सरल तरीका फेरोमोन टेप ही हमको नजर आता है, उसका प्रयोग करके बहुत से किसान भाई लोग फल मक्खी से नियंत्रण पा रहे हैं। अगर वीडियो आप लोगों को समझ आई हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो अधिक से अधिक किसान भाइयों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।